क्या हुआ? पूरा जला लिया हाथ, रुमाल पसाते पसाते हाथे में गिरा लिया। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं, उम्मीद करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कल इधर बारिश हुआ दोस्तों, और हवा तो चला ही बहुत जोर, देख सकते हैं कितना नुकसान हो गया। हमारा बैगन फिर से गिर गया, सब पक रहा था बैगन, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे, उम्मीद करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कल बारिश हुआ, बहुत ही तेज़ बारिश हुआ, और जिससे हवा तूफान बहुत आया, जिससे हमारा ना नुकसान हो गया दोस्तों। टमाटर सब गिर गया, देख सकते हैं। एक तो पूरा सूख ही गया टमाटर, और जो पक रहा था वो भी टमाटर सब गिर गया नीचे। अभी हम लोग तोड़े भी नहीं है टमाटर, क्योंकि सब अभी कच्चे ही टमाटर है, जो पकेगा तब तोड़ेंगे। इस तरह से गिर रहा है, सब खराब हो जा रहा है टमाटर, तो इसको खड़ा करेंगे। एक बार गिरा था तो खड़ा किए थे, मतलब उसका जड़ ना हिल जाता ना तो मर गया है, और उसी में ज़्यादा टमाटर पक रहा है, नुकसान हो रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं। इधर देख सकते हैं फूल सब में तो मस्त, ये फूल है ना दोस्तों, ये है आपका अथी का फूल, प्याज का फूल, सब उग गया है, देख सकते एकदम मस्त, खाली प्याज के ही फूल है। ये हमारा नेनुआ इतना बड़ा हो गया है, इधर तो कुछ नहीं हुआ। मिर्चा का पेड़ भी उधर देखिए ठीक ही है, इतना बड़ा बड़ा हमारा मिर्चा का पेड़ हो गया, इतना केटो है, 5-6 मिर्चा है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उसको खड़ा कर देंगे फिर से, मतलब रस्सी से बांधेंगे, फिर हवा तूफान आता था फिर मतलब कस के आता है कि रस्सी से सब टूट जाता है। इधर तो उतना नुकसान नहीं हुआ हमारा, इधर सब ठीक है। क्या हुआ? मम्मी का हाथ जल गया। कैसे जल गया? कहाँ पर पसा रहा था? पागले मदाम, उधर गया था, तुम नुकसान कर लिया। देख सकते हो दोस्तों, पूरा जला लिया हाथ, रुमाल पसाते पसाते हाथे में गिरा लिया। पूरा कोलगेट लगा दे, देखो कोलगेट लगा देते दोस्तों, कोलगेट से जल्दी असर करेगा। पर कोलगेट कहाँ है? ये देखिए अभी नहीं है, हम लोग खोले भी नहीं। अरे खुश नहीं होगा, अरे है नहीं। ला कहाँ पर हुआ? ये पूरे यहाँ तक पूरा। कैसे काम करता है तुम लोगों? तुम्हें पहले कहाँ नहीं आके बताया गुल्लू? चलो गुल्लू आके बोला मम्मी का हाथ जल गया, तो तुम नहीं देख सकता था कैसे जल गया? क्या बोलेंगे, कैसे काम करती है, वो तो समझ ही नहीं आता है। थोड़ा सा इधर जाओ, इधर कुछ ना कुछ नुकसान करती है। इधर बैठी है अभी, ठीक हो जाएगा, टेंशन बर्फ बर्फ नहीं देना चाहिए, रखो ना थोड़ा देरी असर करेगा। अभी लगाई है ना, तुम तो हमेशा एकदम गरम गरम गिराई ना। कैसे ढक्कन खुल गया? नुकसान करने में आ गया, क्या बोले। जल गया जल गया, क्यों कर रहा है गुल्लू? जल गया तो क्या करेगी? हाँ तो तुम क्या कर रहे, तब इसने देख सकता था? दिख ही रहा है सब, पूरा नुकसान कर ली दोस्तों। खाना क्या बनाएगी, ऐसी करती है हमेशा, कुछ ना कुछ जलाती है। ये है तो वहाँ भी वैसे ही है, दोनों में करती है, खाना बनाते टाइम जलाते हैं लोग। कपड़ा भी धोना मेरे को, अब कैसे धोएंगे? जैसे भी धोएंगे, ये बोलते जैसे भी धोएंगे, हम धो देंगे। थोड़ा सा कपड़ा है बाबू का, छोटा बाबू का बस। टमाटर तोड़ के लाते जनो, नहीं है घर में, नहीं है, नहीं इसमें। कोलगेट तो लगा ही दिए हैं दोस्तों, ठीक हो जाना चाहिए। कार्ड टूटा है, पता नहीं कहाँ है इसमें, उधर लाल होगा, किसमें लाल है? नुकसान कहाँ, लाल है तोड़ ले रहा तुम, लाल हुआ है अभी, पीले ही है। और वहाँ भी है, जा रहे उसको भी तोड़ देंगे। क्या हुआ? अरे मम्मी के यहाँ चोट लगा, बाबू रो रहा है, इसको भी रोना आ रहा है। क्या हुआ बेटी, क्या हो गया? आ जाओ गोदी आएगी, गोदी आएगी। बताते रहता है गुल्लू कि बाबू क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, सब देखते रहता है गुल्लू। मम्मी का हाथ जला, तुम्हें को बुलाने गया, मम्मी का हाथ जल गया,
खाएगा नहीं गुल्लू तू? क्या खाएगा? चलो खाना खा लो तू। बन गया खाना अभी पूरा? बन ही गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लहरेगा। लेकिन खाना निकल गया है दोस्तों, क्या तो खाना निकल चुका है। क्या है ये? क्या है बाबू? वो क्या है? नमक है। खा के देखो तो, थोड़ा देखो तो अच्छा बना है कि नहीं। खाओ खाओ। दे दिया आपके अपने दबोचे जारो जारो गुस्सा होगी। नहीं खाते जा, सीधा बोलते हैं खाओ बेटा खाओ। चलो हम लोग खाते हैं खाना। मेरा काम है बहुत यहाँ पे, पतोला मत दो। टाइम ज्यादा हो गया, देखो दोपहर हो गया, धूप इतना हार्ड है कि मत पूछे। चल नहीं खाते जा, अभी अरवा चावल का भात बना कि जल्दी होगा। हाँ जल्दी हो गया, और क्या, जल्दी का चक्कर में हो गया जल्दी, इसलिए काम बढ़ गया। तो खाना वाना तो खा लिए, और गुल्लू को भी जा रहे अब नहलाने के लिए, सबको नहलाना है। तो इधर बुचिया भी सोई है, तो बाद में नहाएगी, और राशि जी अभी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जा रहे तो कपड़ा धो लेते क्या? अब क्या करेंगे दोस्तों, हाथ थोड़ा ठीक है, छोटा छोटा तब तक धोते धीरे धीरे। आप काम कर, छोटा छोटा कपड़ा धोएंगे राशि जी बोल रहे, फिर बाबू को जब नहलाएंगे ना तो पकड़ेंगे। कपड़ा जा है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा ही है कपड़ा, तो एक टप है देखिए, डेली का कपड़ा इतना हो जाता है। तो जा रहे जल्दी धो देंगे तब ना सूखेगा, नहीं तो सूखने में भी तो टाइम लगेगा। तो चलो जल्दी जल्दी कपड़ा पूरा धोएंगे, और फिर बच्चे लोग को भी आज पूरा नहलाना है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना बुचिया नहाई भी नहीं है। अगुल्लू तो नहाया है मगर बुचिया नहीं नहाई है। तो आगे बड़े कपड़ा धो लेते हैं, और तब तक आशु जी भी काम अपना कर लेंगे, और बुचिया भी अपना सोई हुई है, तब तक कपड़ा धो लेते हैं। गुल्लू को नहला रही है क्या? हाँ, बुचिया उठी नहीं तो। बुचिया उठ गई है, उसको रखे हैं। आप बोले तो इसको, आप बोले कि बाद में नहला दे रहे, तो बाद में ही नहाएगा, पहले इन लोग को नहला के निकालो, इन लोग बहुत लेट करता है दोस्तों। नहल गया, इधर हमारी बिटिया रानी जागी है, मेरे साथ है, देख सकते हैं। ये बिटिया रानी, ये भी बहुत दिन से नहीं नहाई है, इसको भी नहाना है ना बेटा, नहाएगी ना बिटिया रानी, नहाएगी। नंदिनी तो नहा धो के फ्रेश हो गई है दोस्तों, कपड़ा सब इधर भी सूखने देगी, थोड़ा बहुत जो कपड़ा है छत पे दे देगी, क्या जल्दी सूख जाएगा। अब जा रहे हम और बिटिया रानी नहाएंगे, क्या आप नहा लेंगे कि हम नहला देंगे? हम अपने से नहीं नहाएंगे, अपने बेटी को भी नहला देंगे। आप नहला दीजिएगा क्या जेरी को, बच्चे को नहलाने में? देखते हैं, देखिएगा दोस्तों कैसे नहलाएंगे। बुचन नहाएगी दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है, धूप भी अच्छा है, इसीलिए नहला दे रहे इसको। करीब बहुत दिन से नहीं नहाया, करीब एक महीना हो गया है, इससे ज़्यादा ही हो गया दोस्तों, क्योंकि कम तबीयत ठीक नहीं रहता ना, इसलिए नहीं नहलाते हैं। लेते हैं गर्म पानी। गर्म पानी से क्यों नहलाएगा, गर्म इतना मौसम गर्म है दोस्तों, गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालो, हम नहला दे, नहला दीजिएगा। अब अपने बोलते हैं नहला दीजिए, तो हम नहलाएंगे। हम लो नहला अपने समय, लो आप ही नहला दीजिए, हम भीग जाएंगे। बात तो अपने करती है सर। चलो पूछन जी तो कपड़े खोल लीजिए। तो आशु जी अब बाबू को नहलाने के लिए, देखिए ना जैसे हम नहलाते हैं ना उसी तरह से कर रहे हैं। देखिए हां कर गया, साबुन दो पापा को दो, इसका चोटी बना दिया था, इसका चोटी निकाल लिया। आगे शैम्पू लीजिए, ये देखिए दोस्तों इसका शैम्पू से ही नहला देते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं आगे धीरे धीरे इसका आंख में ना जाए, आंख में नहीं देंगे। वाह वाह वाह, देखिए दोस्तों बाप बेटी एकदम नहाएंगे आनंद से। वाह लग रहा कि तेल मालिश कर रहे हैं जैसे, नहीं आराम से करना है, लाना है ना बेटी, आराम से नहलाएंगे हम लोग। गाना गागा के नहीं बूचन हो, हम नहार जा पर बूचन, देखिए ये भी काफी कूल है, बूचन 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 नहार बूचन। उसके पापा आराम से धीरे धीरे करके इसको नहलाएंगे ना, प्यार से। वो दिन से नहीं नहाया तो नहला दे रहे हैं। बूचन देख इधर बूचन, ये देखिए दोस्तों इसको देखिए बूचन, दोस्तों एकदम ना हंस खेल खेल के नहा रही है बाप बेटी। नहीं हमसे तो रोती है, आपसे इतना प्यार से नहलावा रही है, क्या पता बाप बेटी में प्यार है दोस्तों, इतना प्यार तो हम लोग में भी नहीं होता है ना। अब बेटा देखिए लग रहा है कि साबुन का डब्बा चिबा रहा है,
तुम रखो गुल्लू रखो, गुचिया का साबुन रखाएगा। देखिए ना एक कैसे उदक उदक के नहारी बुचान, आजा आजा मेरा लल्ली। हो गया जल्दी निकालिए, काफी टाइम हो, ज्यादा देरी तक उसको मैसना नहीं लग रहा, इसका फेशियल कर रहे हैं। मुंह हटा बेटा हटा, जीभ हटा, नहीं करो ऐसी गंदी बात। ये भी नहा रही ना, हम नहला देते हैं, मगर आसिफ जी भी धीरे धीरे सीखेंगे ना नहाने के लिए, कि अपना बिटिया को आँख उख देखिएगा। इससे लीजिए ना कपड़वा से लीजिए ना, हाँ वो भी आराम से नहा रही है। ये देखिए देखिए सब खींचे ऐसे से, हाँ छूट जाएगा। नहा के रेडी हो गए हैं दोस्तों, और बिटिया रानी भी तैयार हो गई है नहा धो के, कपड़ा पहनाया, थोड़ा सा धूप में टहला रहे, उसके बाद इसको काजल पाउडर लगाएंगे ना। काजल पाउडर करेंगे, मगर आशीष जी ने सच बताया ना, नहाने सीखे, पता नहीं मच्छरों का ऑटो इतना तो यहाँ पर ज्यादा घमोल टाइप का हो गया इसको, मच्छर काटने सुनो बोल दो कि आज हमको पापा नहला है, हम आज बहुत खुश है, कितने दिन के बाद नहाया भी नहीं, खुशी खुशी। हाँ दोस्तों इधर देख रहे ना, मौसम फिर लग रहा बारिश हुआ, क्या रे देखो बादल फिर से लग गया, क्या पता है भगवान जी क्या करेंगे, है ना बेटू। दोस्तों जो नंदनी का जल गया था ना माल से, पोका हो गया, देखिए पोका निकल गया, लाल लाल हो गया, वो अभी नहीं पता चलेगा तो बाद में काला टाइप का चमड़ी सब निकलेगा इसका। देखिए हम बोले हम आपको झूठ बोल रहे थे, हम कब बोले कि हम झूठ पे, गुल्लू आके मेरे को बताया कि पापा मम्मी का जल गया, तब हम लहर जो फूटेगा ना तो कपड़ा पर धोएंगे ना तो और दिक्कत तो करेगा इधर। तो चलिए अब ब्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं ना बिटिया रानी, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं ना, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, पापा को बाय बाय, इधर बाय बाय कर रहा है। चलिए दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए।